नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के जवान संजू बाबा की। आपका स्टूडियो में स्वागत है। अभी तक बाबा बोलते हैं आपको? समझ गया, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लगता है हाँ। शक्ल बड़े भोले वाले लगते हैं आप। हाँ सर। पर अब मैंने देखा कई साल बाद मेरे सामने बैठे हैं आप, काफी वजन घटा लिया आपने। अब तो बच्चों को भी खतरा हो गया जितने जब आपके मुकाबले में। कहाँ कर रहे हैं आजकल? नहीं सर, वो एक पिक्चर कर रहा हूँ, वो मतलब उसमें थोड़ी बॉडी बॉडी की जरूरत है। बट इसलिए आप खतरा आपके लिए सब चैलेंज हो गया ये सब बच्चों के साथ कम्पीट करना? चैलेंज बहुत बड़ा हो गया सर ये तो। हाँ तो आपने फिरंगी ट्रेनर बुला रखे हैं उसने? हाँ सर, एक ट्रेनर आया है लॉस एंजेलिस से, बहुत कमाल का ट्रेनर है। तो मतलब 4 घंटे वर्कआउट करते हैं हम लोग सुबह और शाम। पर आपने तो पहले किया था किसी जमाने में वर्कआउट? तो जब ये लोग शायद खेल रहे होंगे स्कूल के अंदर, तब से शुरू किया था आपने? हाँ, तब से शुरू किया था सर, फिर छोड़ दिया था बीच में, बोला कि बच्चों को आने दो। तो अब लगा कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा पीछे हो गया सर। तो करते क्या आप, ये क्या करता है ट्रेनर आपने सुंदर बना दिया उसने दोबारा से? जी सर, कार्डियो करता है सर पहले तो सुबह। कार्पेंट्री शरीर की करता है मुझे नहीं, साइकिल पे करता है पहले 1.5 घंटा, देन शाम को वेट्स के साथ। कितने पैक बना लेंगे? मैंने 8 बोला सर, 6 बन जाए तो अच्छा सर। अच्छा, 8 बोलना है? क्यों 8? क्यों 8 पैक है ना सर? 8 पैक है तो फिर दिखा देंगे। सब 6 बनाते हैं, मैंने सोचा 8 बना। फिर आप भी कमीनी उतारेंगे? कोशिश करूंगा सर। फायदा क्या होता है सबका ये सब सर? कमीज उतार मतलब एक रीजन होना चाहिए उतारने का कमीज। जैसे कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो कमीज पहन के नहीं कर सकते। नहीं, पर जो एक्सरसाइज करनी संजय बाबा ने शुरू की है अभी दोबारा से। जी सर, सबसे पहले मैंने कहा ना 89 में आप, 3 सलमान भी थे आपके साथ जब ऊटी के किसी होटल में आप बहुत दौड़ करते रहते थे। जी सर। तो उस वक्त तो ये सब था नहीं? बिल्कुल नहीं था। तो वो तब क्यों किया था आपने? सर मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन का बहुत बड़ा फैन हूँ आज तक, और आर्नल्ड का। तो मुझे लगता था कि कमाल की बॉडी बनी तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने बॉडी बनी। शौक के लिए किया था? शौक के लिए। अब पापी पेट के लिए? अभी पापी पेट ये भी एक फैशन है कि जब तक आप बॉडी नहीं दिखाएंगे तब तक आपको फिल्म का रोल अच्छा नहीं मिलेगा। पर संजीव बाबा, आपकी और भी तो खूबी है ना, आप हर किस्म का रोल कर लेते हैं। कैसे? आपने फादर का जैसे था ना? जी सर। हाँ, वो एक तरह से फाइटर डेकॉयड और दूसरा खानदान जैसी फिल्म। पड़ोसन भी की उन्होंने? हाँ, पड़ोसन ने किया। तो आप भी उसी तरह के रोल कुछ करने जा रहे हैं? मैं करने जा रहा हूँ सर, मुन्ना भाई की अभी तीसरी पार्ट आएगी मुन्ना भाई की सर। हाँ, उसका नाम नहीं डिसाइड हुआ अभी। मुन्ना भाई चले अमेरिका है। अमेरिका चले? हाँ। तो हिंदुस्तान दिल भर गया आपका? नहीं सर, वो बोलता है कि बुश को गांधीगिरी सिखानी सर। बुश जब फिल्म आएगी फिर तो होगा नहीं, तो बेटर है ना सर। वो मतलब के प्रेसिडेंट नहीं रहेगा फिर भी जाके उसको गांधीगिरी सिखाएंगे सर। ये रोल जो है गांधीगिरी का आपके ऊपर, किस तरह चुना क्यों उन्होंने गांधीगिरी के बाद जब आपको अप्लाई किया? सर मुझे पता नहीं, क्योंकि जब राजू हिरानी मेरे पास आए बोले कि ये नया कुछ मुझे कॉन्सेप्ट आया है, तो क्या लग रहा है तुझे? तो जब मैंने सुना तो मैंने बोला कि बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है कि इसको गांधी जी दिखते हैं और जो गांधी जी बोलते हैं ये अपने हिसाब से बोलता है, तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा था सर। नहीं, संजू एक इमेज बनी हुई है संजू। संजीत जो आपके साथ काम करते हैं कहते हैं इससे बड़ी आदमी कोई नहीं है, इससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है, इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। तो जो बाहर की इमेज है लोगों की वो दूसरी बैड बॉय की इमेज बनी है, पर ये गांधीगिरी जो आपके ऊपर फिट कर दी उन्होंने कि संजू भी गांधी हो सकते हैं, यानी कि मारदार से अलग रह सकते हैं, तो ये एक इमेज को इम्प्रूव करने की, और इतने सक्सेसफुल हो गए आप कि आज सब पार्लियामेंट के अंदर भी आपका नाम लिया जा रहा है, बाहर देशों में भी संजू की गांधीगिरी की जा रही है, तो इससे आपकी इमेज में भी तो बहुत फर्क पड़ा होगा ना? बहुत फर्क पड़ा सर, बहुत शरीफ हो गया, बहुत अच्छा हो गया सर। थे पहले से थे आप? तो उसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी? हाँ सर, काफी। एक्चुअली दत्त साहब गांधी जी के नक्शों पे चलते ही थे सर, आप जानते हो हमारे दोस्त थे। जी सर, बिल्कुल। तो बेसिकली उन्होंने जो हमें सिखाया है वो बिल्कुल वही सिखाया जो गांधी जी कहते थे। तो जब ये रोल आया तो दत्त साहब जिंदा थे, तो मैं काफी उनके साथ बैठा भी था जस्ट टू नो अबाउट गांधी जी, और क्योंकि वो उन्होंने मार्च भी किया था, यू नो दत्त साहब लंबा मार्च किया जी, तो बहुत अच्छा रहा सर, और एक आसान हो गया मुझे पिक्चर करने में। आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं जब
तो आपके पिताजी सीरियस भी थे, पर आपने उनसे और क्या सीखा है इसके अलावा? दत्त साहब से मेहनत करो, अच्छा इंसान बनो, गॉड फियरिंग बनो। डरते हैं आप भगवान से? बिल्कुल और तो गिर देते हैं हाँ सबसे डरते हैं। तो और जो फिल्में आ रही है इस तरह के रोल जिसमें संजू की इमेज अलग हटके हो? सर एक पिक्चर आ रही है अलादीन करके, वो भी इंटरेस्टिंग पिक्चर है बहुत, अमित जी हैं, रितेश मैं, वो भी बच्चों के लिए पिक्चर है। अलादीन तो आपने सुना होगा, तो उसके ऊपर अलादीन का चिराग जी वही वही है वही है। तो आपने वो चिराग बना लिया अपने। ये फिल्मों के अंदर जो आज हो रहा है, जितने बड़े बड़े एक्टर हैं और आप आज भी सबसे सीनियर होते हुए भी सबसे ज्यादा डिमांड आपकी है, और शैफ फुरैशी आपने बाल का स्टाइल स्टाइल सब, आप बॉडी बिल्डर होते चले जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा कौन क्या है, इसमें इमेज चेंज करने के लिए ये बच्चों की फिल्म बनाना, आमिर ने भी बना ली और आप भी बच्चों के साथ जा रहे हैं कहीं पर, दानवीर बन रहे हैं, ये सब ये सोशल कॉजेस को लेके बन रहे हैं या आप अपने लोग इमेज बनाना चाहते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं? सर दूसरे की बात नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी ऐसा एक स्टेज आ गया जहाँ एज एन एक्टर मुझे अच्छा लगता है इसी पिक्चर का, मतलब एक फैमिली ऑडियंस हो, एक क्लीन पिक्चर हो, हर इंसान जाके देखे, अप्रिशिएट करे सर। ऐसी पिक्चर मतलब कि जो माँ बाप बोले बच्चे नहीं जा सकते या बच्चों के साथ पिक्चर नहीं, क्या फायदा सर ऐसी पिक्चर करके? तो आप फैमिली पिक्चर में आप जान जाते हैं? बिल्कुल सर, वो बेटर है सर। और पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी। क्यों सर? इमेज होना चाहिए। इमेज की बात सवाल ये है कि फिल्में आजकल जो है, पहले जितनी फिल्मों के लिए पैसे मिलते थे बहुत सारी करो सर, अब तो बहुत पैसे मिल जाते हैं फिल्म के लिए, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत तो है नहीं? नहीं सर, कहाँ है, मेहनत तो करनी पड़ती है। नहीं, एक फिल्म में जितने पैसे मिलते हैं वो पहले 5 साल में कभी मिलते होंगे, 10 साल मिलते होंगे, भाव तो कीमत बढ़ गई ना आप लोगों की? कीमत बढ़ गई सर, लेकिन मेहनत तो मेहनत भी बढ़ गई सर उसके हिसाब से। मेहनत कैसे बढ़ गई सर? वो अभी वो बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं, हरा कपड़ा बांधा हुआ है उन लोगों ने, बोलते हैं कि हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में करेंगे। तो सर वो काले वो ग्रीन कपड़े में क्या करेंगे सर, वो इमेजिन करना पड़ता है। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है? हाँ सर मेहनत पर। तो ये स्टंट एक्शन भी करने पड़ते होंगे? स्टंट भी करना पड़ता है सर, आजकल वो केबल वेबल का जमाना है सर। हाँ तो अक्षय कुमार जैसे कूदता रहता है, और आपने ऐसा कोई स्टंट करने की सोची है अभी? नहीं सर मैं नहीं करते। आप स्टंटबाजी में विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता रियल लाइफ। हाँ सर स्टंट वाले हैं ना सर करने के लिए? नहीं स्टंट वाले तो हैं पर खुद नहीं करते आप, वो तो आपका कोई डुप्लीकेट खड़ा कर देते होंगे। बहुत कर लिया सर, 30 साल इंडस्ट्री में रहे। संजीव बाबा को अगर आज टाइम पास करना है, आप रोमांटिक हैं, विलेन हैं, या पेरेंट्स के रोल में ज्यादा शूट करते हैं, आप टाइम पास करने के लिए संजीव बाबा को हम क्या बोलेंगे? एक रोमांटिक हीरो, एक्शन हीरो या कॉमेडियन, क्या है? सर मुझे भी समझ नहीं आती, पहले तो एक्शन में था सर, अभी लगता है कॉमेडी फैमिली ड्रामा ये सब एक्शन पता है। हाँ आइडेंटिटी अभी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया अपनी, आपकी बेसिकली सर एक्शन हीरो तो हूँ। एक्शन हीरो है? बिल्कुल। मतलब क्यों है मैं जरूर पूछूंगा आपसे एक छोटे के बारे में। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज हम बातचीत कर रहे हैं संजय दत्त से, एक्शन हीरो से। एक्शन हीरो? एक्शन हीरो की तो सेहत बनानी पड़ती है ना, बाकी के रोमांटिक के लिए तो दाढ़ी बढ़ा लो चल जाएगा। नहीं सर बॉडी तो बनानी पड़ेगी ना, दाढ़ी हो या कुछ भी हो। 1990 का संजू और 2008 का संजू बहुत जमीन आसमान का फर्क है, मतलब जवान तो अभी भी आग लग रहे हैं, परंतु बाकी पर चेहरे पे चमक, नूर थोड़ा सा आ गया, पहले थोड़ा काली काली पलक में, ये सब क्या किया आपने, क्या गंदे काम छोड़ दिए सर? पहले तो शराब भी नहीं छोड़ दी सर। शराब बिल्कुल बंद कर दी? बंद कर दी। विश्वास नहीं कराया कोई? सर विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा। तो शराब छोड़ दिया आपने? बिल्कुल सर। ड्रग्स वगैरह भी सब पहले छोड़ दी? पहले सर। और क्या छोड़ दिया? बैड बॉय इमेज, अभी मैन हो गया हूँ, बैड बॉय छोड़ के मैन हो गया हूँ। दुख होता होगा कि मैन क्यों हो गए? नहीं अच्छी बात है। आपने बैड कंपनी भी छोड़ दी कि नहीं? सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया, शरीफ आदमी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी मुश्किल हुआ होगा आपके लिए? नहीं सर अच्छी बात है। विड्रॉल सिंड्रोम हो गए होंगे? अल्कोहल के हुए सर, बाकी के नहीं हुए। अभी आपके पीछे अभी भी मरने वाले लोग बहुत हैं, आपके लिए जान देने लगते हैं यार बहुत लोग हैं। आप फिल्मों में तो हमेशा से पास होते रहे, हर फिल्म आपकी हिट करती थी मोस्टली, पर सामाजिक लाइफ में कई बार आप फेल हो गए और लोग आपको फिर भी, कई लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, क्या लगता है आपकी दुश्मनी क्या है आपके साथ, बोले वाले संजीव बाबा के साथ क्या लोग दुश्मनी? सर अभी उनको ही पता होना चाहिए कि दुश्मनी क्या है सर, मेरे जहाँ मैं, मेरा सवाल है, मेरे दुश्मन तो कोई है नहीं, ना मैं दुश्मनी करता हूँ,
ना किसी के बारे में बुरा बोलता हूँ, तो आप अच्छा ही सोचता हूँ सबके लिए सर। फिर आप जो आप अपनी इमेज सुधारने के लिए और कुछ और भी सोच रहे हैं, ज्यादा ज्यादा थोड़ा मिक्सअप हो सोसाइटी में जाकर के बैठे लोगों के साथ? नहीं सर, मैं सोसाइटी से दूर हूँ सर, मेरे 5-6 दोस्त हैं उनके साथ जिम करता हूँ, घूमता हूँ, काम करता हूँ, घर आता हूँ बस। पर आपके बुरे समय के अंदर बहुत कम लोग आपके साथ खड़े हुए जी, छोड़ के भाग गए जी, तो आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी? नहीं सर, हर आदमी के बुरे समय पर लोग भाग जाते हैं सर। भाग जाते हैं? कौन कौन लोग खड़े हुए आपके साथ? मेरी फैमिली 100% सर, फिर शत्रु साहब हैं। शत्रु साहब सब खड़े हो गए डंडा लेके? डंडा लेके खड़ा अमर सिंह जी, बहुत ऐसे काफी लोग हैं। बड़े अजीब है ना, अमर सिंह, शत्रु, ये सब ऐसी पार्टी के लोग हैं जिसमें आपके पिताजी दूसरी तरफ थे जी, तो उस पार्टी के लोग ज्यादा नहीं खड़े। लेकिन सर जितने भी आप देखें सर, सब दत्त साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत मानते थे सर। एक अलग ही रिश्ता था उनके साथ सर, पॉलिटिक्स नहीं था इतना, एक भाई का रिश्ता था। जैसे कि शत्रु साहब बहुत बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करते थे दत्त साहब। ठाकरे फैमिली ने भी बिल्कुल, बाला साहब मतलब इतना जी जी जी। तो ये सब जो हैं अमर सिंह, बाला साहब, शत्रु, ये तो ऐसे लोग हैं जिनके पॉलिटिकल व्यूज आपके फादर के साथ मिलते नहीं थे, तो आप उनके फादर को रिस्पेक्ट करते थे और आपको प्यार करते थे? मैं भी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ सर, मेरा कोई पॉलिटिकल चीज तो है नहीं। वो जैसे मैंने आपसे कहा कि डैडी को वो दत्त साहब को ज्यादा भाई मानते थे, एक पॉलिटिशियन नहीं मानते थे वो लोग। पर आपको अगर सोचे पीछे की तरफ, कुछ तो लगता है कि बहुत गलत किया आपने, रिग्रेट तो करते होंगे आप, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंच गया होता संजय आज। नहीं सर, मैं खुश हो जाऊँ सर, बहुत मैं एक आदमी आस्ते आस्ते बढ़ता है आगे, एकदम से पहुंच जाता तो एकदम से गिर भी जाता है, तो ये करेक्ट है सर मेरे लिए। तो अपने पिताजी से पॉलिटिक्स भी सीखी कि नहीं थोड़ी बहुत? उनकी तरह पॉलिटिक्स सीखी है मैंने सर। उनकी तरह की ना, कि सबसे बात अच्छी तरह से करो। हाँ सर, तो आगे सपने पॉलिटिक्स के जरूर होंगे कुछ ना कुछ? सर सोचा है थोड़ा बहुत, देख लेते हैं आगे, देखते हैं ये केस वेस खत्म हो जाएगा। नहीं, केस तो हर पॉलिटिशियन के केस है, क्वालिफिकेशन हो जाएगी आपकी। नहीं सर, लेकिन एक टाइम में मामला निपट जाएगा। 350 एमपी हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। केसेस चल रहे हैं ना, मेरा तो खत्म हो। आप मत खत्म करिए। नहीं, जितने केसेस हैं ना उतने अच्छे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, एक ही काफी है। और इसमें शौक तो है ना थोड़ा? अभी शौक आना शुरू हो गया सर। तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी नहीं सर, हो गया, अच्छी बात है। तो चुनाव का भी मौका मिला तो लड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा। एमपी का से या मुख्यमंत्री से शुरू करेंगे? नहीं नहीं सर, एमपी परिवार की पार्टी से या किसी और से? सर परिवार की पता नहीं सर, अभी कुछ सोच में। मैं लड़ना जरूर है आपको? हाँ एक दिन तो लड़ूंगा। लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ूंगा ऐसा अभी पता नहीं। परिवार की पार्टी भी तो आपको ऑफर कर सकते हैं, फिर अच्छी बात है सर। प्रायोरिटी वही? हाँ सर। बाला साहब बोलेंगे तब? तो सर अभी ये तो लेकिन सर सब सपोर्ट करेंगे। पर करेंगे क्या, बाकी फिल्म से फेल हो गए सारे, वापस आ रहे हैं आपकी स्क्रीन में? हाँ सर, लेकिन जैसे कि अगर मैंने कमिटमेंट कर ली सर पॉलिटिक्स की, एमपी बन गया, तो फिर इट्स अ फुल टाइम जॉब सर। आपको पता है दत्त साहब को मैंने देखा है, मतलब ग्रास रूट लेवल में जाके उन्होंने लोगों की मदद की, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके हर एक इंसान को देखा, हर एक इंसान की मदद की, और सोशल सर्विस तो बहुत किया। सोशल सर्विस के लिए जाएंगे? नहीं सर, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सर, एक देश सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा। बिल्कुल वही करेंगे, करूंगा सर सच्ची। पर अभी फैसला नहीं किया कब जाएं? नहीं सर अभी फैसला नहीं। पर एक मैंने देखा पॉलिसी में कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है, अंगूठिया पहन रखी आपने, ये वो क्या क्या पहन रखा है, क्या है ये जरा दिखा ये जरा सर? ये मेरे को सर ये पुखराज सर, पुखराज तो जी। अमर सिंह जी ने नहीं दिया? नहीं नहीं, ये वाला दूसरा वाला अमर सिंह जी की तरह। ये मोती है सर, बैड बॉय इमेज को तोड़ने के लिए। अच्छा, चमकने के लिए थोड़ा? नहीं सर, शांत होने के लिए। और वो क्या है सर? ये एक दोस्त ने दिया मुझे, ब्रेसलेट है सर। अच्छा, ब्रेस्ट में कई लोग ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करेंगे होते हैं, बोल सकता हूँ मैं। आपका ब्लड प्रेशर तो है नहीं इतना? बिल्कुल नहीं सर। ये सब जो पहनने के, फिर मैंने सुना आपको गाड़ियों का भी पर्टिकुलर नंबर आप विश्वास करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी 4545 गाड़ी का नंबर? 9 नंबर सर। 4545? अच्छा 9। 9 पर 9 नंबर की कोई गाड़ी नहीं है ना? 9 एक थी सर, एक थी, अभी सारी 4545 सर। उससे फायदा हुआ कुछ जिंदगी में सर? किसी ने बोला तो नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान नहीं? नहीं। कितनी गाड़ियां आपके पास? 3।
तीन है सिर्फ। और सुना है कि आप इतने अच्छे हो गए हैं कि बैंक बैलेंस भी आपके पास। सर वो तो कमाल हो गया सर। कमाल हो गया। हाँ सर वो तो पहले एक तो मांगते रहते थे सर उसे। हाँ सर अभी थोड़ा अच्छा हो गया सर। ये दिमाग का कमाल है या कोई आदतों का कमाल है? मान्यता का कमाल है। पर एक बार बताओ आपके मन को मान्यता क्यों भाग गई? सर एक बहुत अच्छी इंसान है वो, लेवल हेडेड लड़की है सर। और एक क्या है कि एक चीज बहुत सर आज के जमाने में कम देखने को मिलता है कि एक एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, एक बड़ों को तमीज से मिलना, एक अपने आप को हैंडल करना। तो उसे सिखा दिया आपको सर? हाँ सर आपको भी सिखा दिया सर। मेरा तो बैंक बैलेंस अच्छा कर दिया सर। वो भी सिखा दिया ना कि रिस्पेक्ट करना सबको पहले करना। मैं हमेशा करता था सर। तो उसमें और भी तो खूबियां हैं, तभी तो मन को भाई है। हाँ बिल्कुल। कंट्रोवर्सीज आपने सहन की तो बहुत कुछ उसमें देखा होगा आपने। जी सर। तो आगे फिल्म में जो प्रोडक्शन हाउस बनेगा वो भी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? आपके मालिक बनेंगे कि नहीं वो? नहीं सर वो तो घर पे बैठो बेटर है सर। तो मालिक भी तो बनेंगे ना? हाँ घर पे बैठे बैठे मालिक बन जाओ सर। लेकिन उनके ऑर्डर मानने पड़ेंगे आपको सर? नहीं बिल्कुल नहीं सर। नहीं मानेंगे? मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे सर। उल्टा तो उल्टा मानने पड़ेंगे। तो आपने प्रोडक्शन हाउस जो शुरू किया जी, तो उसके पीछे क्या कितनी फिल्म बनाने वाले आपकी? सर एटलीस्ट दो पिक्चरें साल में बनाऊंगा सर। और क्या है कि दत्त साहब की इच्छा थी कि अजंता आर्ट्स फिर शुरू हुए, तो फिर हम लोगों ने यही किया है कि संजय दत्त प्रोडक्शन विद इन एसोसिएशन विद अजंता आर्ट्स ऐसे करके किया है सर। तो जो पिक्चरें इन एसोसिएशन विद अजंता आर्ट्स बनेंगी वो जो दत्त साहब को पसंद थी वही बनेंगी सर। जैसे कि मुझे जीने दो है, ये रास्ते हैं प्यार के, उस किस्म की पिक्चरें। पुरानी वाली दोबारा बनाएंगे? नहीं 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 सर, मतलब कि जो उनको पसंद थी, जिस किस्म की पिक्चरें उनको पसंद थी। पर एक बार बताए सीक्वल बनते जा रहे हैं आजकल फिल्मों के, तो सीक्वल कोई सक्सेसफुल लगता है आपको? सर मुन्ना भाई तो सक्सेसफुल हो गया सर। तो बाकी भी बना रहे हैं लोग पुरानी फिल्मों को दोबारा से बनाए जा रहे हैं कि जितने एक्टर हैं मेल उनको इनसिक्योरिटी इतनी हो गई है कि वो अपनी उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहते। जितने जवान होते जाते हैं एक्टर उतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ काम करते हैं। ये कहाँ से मिला सर? मैं कहता हूँ शाहरुख खान ने 22 साल की लड़की के साथ एक्टिंग की, आमिर खान ने भी 23 साल की लड़की के साथ एक्टिंग की। तो कहाँ बुड्ढे हैं सर? तो आप 18 साल की साथ करेंगे? नहीं नहीं 18 की। ये क्या चक्कर है कि जितना एक्टर सीनियर होता जाता है, मैं नहीं कहूँ कि बूढ़ा होता जाता है, उतनी जवान लड़की के साथ एक्टिंग करने की कोशिश करता है? तो जितना ये सीनियर होता जाता है उतनी ये नई लड़कियां आती है, तो क्या करें? तो मतलब पुरानी वाली नहीं बात करना चाहती आपसे? नहीं क्यों नहीं। आपने जो आज की क्रॉप है उसमें से हीरोइन तो एक विद्या बालन के अलावा किसके साथ काम किया? सर अभी पता नहीं सर। याद नहीं। तो जी सक्सेस के लिए फिल्म के लिए कि फोकस हीरो पे होना चाहिए? आई थिंक ये इंडस्ट्री ऐसी है सर, फोकस हीरो पे ही होता है। विद्यावरण ने मेरे को कहा था कि ये मेल डोमिनेटेड है अभी। बिल्कुल है कि ये तो लड़कियों की परवाह नहीं करते। जी बिल्कुल मेल डोमिनेटेड है सर। तो आप लड़कियों को इग्नोर करते हैं? मैं क्यों करूँगा सर? एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको लगता नहीं कि वुमेन को भी ज्यादा आगे आगे बढ़ाना चाहिए? सर लोगों ने कोशिश की है कि वुमेन ओरिएंटेड पिक्चर बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद वो चलती नहीं, शायद एक्सेप्ट नहीं होती। इसलिए बोलते हैं कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है बिकॉज। हाँ सर जैसे कि चालबाज श्री जी की चली, एक दो ऐसी पिक्चरें चली होंगी सर, लेकिन मेजर फीमेल डोमिनेटेड। संजू का सपना क्या है आखिरी कि क्या कर जो करना है अभी बाकी रह गया? सर अभी तो शुरू करना है, लाइफ अभी शुरू हुई है। जी सर शादी के बाद मान्यता जी आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी जब नजदीक अगर सक्सेस के और ज्यादा पहुंचेंगे, इससे भी ज्यादा सक्सेस मिलेगी, फिर हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत 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 शुक्रिया सर। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।